देखिए कितने बढ़िया पानी के पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं, कितने लजीज लग रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पानी के पकोड़े। पानी के पकोड़ों को पानी की फुल्की भी बोला जाता है। तो पानी की फुल्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 कटोरी बेसन, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चुटकी हींग, थोड़ी सी अजवाइन, मीठी इमली की चटनी, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, काली मिर्च। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च जिसको हमने यहाँ पे बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया इसको भी हमने बारीक काट लिया है, 2 नींबू और 1 प्याज जिसको हमने गोल गोल काट लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पानी की फुल्की। सबसे पहले हम बेसन को एक बड़े बाउल में डालेंगे। बेसन के अंदर हम अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन को एक ही रो में घुमाएंगे। हम इस बेसन को अपोजिट रो में नहीं लेके जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बेसन को हम जितना अच्छा फेटेंगे उतनी अच्छी हमारी फुल्की बनेगी। अगर हमारी फुल्की अच्छी नहीं बनी तो हमारी पानी फुल्की का मजा ही खराब हो जाएगा। तो हमें इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि बेसन को हमें एक रो में अच्छे से फेटना है। अगर फुल्की अच्छी बनी तो पानी के पकौड़े भी हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। बेसन को हमने 5-6 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है और अब हम बेसन को 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा और जब फुल्की बनाएंगे तब बहुत अच्छी फुल्की बनकर तैयार होंगी हमारी। बेसन को हमने 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया है। तब तक हम अपनी हरी चटनी पीस लेते हैं। हरी चटनी पीसने के लिए हम जार में थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तब तक हम पकोड़े का पानी तैयार कर लेते हैं। हमने एक बड़े बाउल में 4-5 आइस क्यूब डाल दिए हैं, उसमें हम पानी डालेंगे। चटनी डालेंगे हम। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, भुना हुआ जीरा, मीठी इमली की चटनी, इसी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, काला नमक, सफेद नमक। पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़े का पानी बनकर तैयार है और तब तक हमारा बेसन भी फूल गया है। अब हम बेसन की फुल्की बना लेते हैं और पानी को हम तब तक रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, बेसन अच्छे से फूल गया है। अब बेसन के अंदर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चुटकी बेकिंग सोडा और बेसन को एक बार दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन अच्छे से फिट किया है और कितना फ्लफी लग रहा है। बेसन हमारा तैयार हो गया है। अब हम फुल्की बना लेते हैं। बेसन में हम थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। तेल को हमने मीडियम आंच पे गरम कर लिया है और तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इससे बेसन की छोटी छोटी फुल्की बनाएंगे।
देखिए कितने बढ़िया फुल्की बनकर तैयार हो रही है, बिल्कुल लड्डू गरम की तरह लग रही है, गोल गोल मोटी मोटी। थोड़ा सा अलट पलट करेंगे हम, पांच मिनट में एक बार की फुल्की बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। कितनी बढ़िया फुल्की बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी फुल्की बनाकर तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करकर फिर हम इसे पानी में डालेंगे। फुल्की बनकर तैयार हो गई है, अब हम फुल्की को पानी में डालेंगे। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो भी डाल देंगे, प्याज के लच्छे, पानी की फुल्की को मजेदार बनाने के लिए हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे, इससे फुल्की का टेस्ट बहुत ही टेस्टी आएगा। लीजिए हमारी पानी फुल्की बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया पानी फुल्की बनकर तैयार हुई है, कितनी लजीज लग रही है और बिल्कुल हेल्दी। तो चलिए इसे हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। कितनी लजीज लग रही है और कितनी बनाने में आसान है, आप भी इसे जरूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।